हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, मैं जस्ट अभी किचन में आया तो मेरे पापा ने डिमांड कर दी पकौड़ों की। उनको खाने हैं प्याज के पकौड़े। तो आपको पता चल गया होगा कि आज सब लोग होने वाला है एक कुकिंग ब्लॉग। तो मैं काट रहा हूँ प्याज, आलू और मिर्ची। तो बनाते हैं आज पकौड़े आप लोगों के साथ। तो आइए, फिलहाल मैंने लिया है प्याज कुछ आलू। तो मैं काट रहा हूँ प्याज, और जिसको खाने हैं प्याज और आलू के पकौड़े तो आ जाओ। एक्चुअली मुझे पसंद है पनीर के पकौड़े, पर आज संडे है तो मैं बाहर जा पनीर लेने जा नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं फिर सिर्फ आलू के पकौड़े खा लूंगा। तो ये है आलू, इसको खा के हम मोटे हो रहे हैं फिलहाल। सबसे पहले हम पकौड़ों के लिए करेंगे गैस ऑन। उसके बाद हम डालते हैं इसमें कुछ तेल। तेल डालने के बाद मैंने जैसे कि प्याज, आलू और हरी मिर्च काट ली है। ये पकौड़े जो मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल सिंपल बना रहा हूँ, आप लोग घर पे भी ऐसे ही बनाते होंगे, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। बस एक व्लॉग बनाना था तो उसके लिए मैं पकौड़ों का रेसिपी बना रहा हूँ अपनी। हम कैसे बनाते हैं? मैं मतलब घर में नॉर्मल बनाने का ऐसे बनाता हूँ। तो मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी राई, बिल्कुल थोड़ी सी। उसके बाद डाल दिए मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा धनिया के बीज जिसको हम कहते हैं साबुन धनिया। और मैं वैसे हम डालते नहीं है, बट आज मैं सोचा था कि पकोड़े थोड़े से फ्लफी बने तो मैं थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाल रहा हूँ। और थोड़ा सा डालना है मुझे इसमें नमक, नमक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है हमारे घर में किसी को भी, तो बिल्कुल थोड़ा सा। और थोड़ी सी ये है हींग, और मुझे इसमें डालना है अब मेन इंग्रेडिएंट बेसन। ये कुछ मैंने आलू काटे हैं क्योंकि जो गुंजन है वो प्याज के पकोड़े पसंद नहीं करती है, वो खाती नहीं है प्याज कच्चा, या प्याज वो खाती नहीं है। तो उसके लिए मैं बनाऊंगा आलू के पकौड़े। अब मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा बेसन, और अब हम इसको करेंगे मिक्स पानी डाल के। तो मैं इसको करने वाला हूँ हाथों का यूज। मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है पकौड़ों का, और साथ में ही ये आलू के पकौड़े के लिए सेम बैटर बनाया है, बस आलू इसमें लास्ट में डालूंगा। अभी देखता हूँ तेल गर्म हो रहा है या नहीं, वैसे हो चुका है। और एक साइड हमने रख दी है चाय, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ पकौड़े, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने गैस को कर दिया थोड़ा सा सिम, और अब देखते हैं क्या बन के सामने आता है। डर है थोड़ा सा क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। जब भी हम किचन में काम करते हैं मैं तो बहुत कम करता हूँ, पसीना आता है, मैं तो भर गया हूँ पसीना से। तो
आज बहुत टाइम के बाद बना रहे हैं पकौड़े, वो ही पापा ने डिमांड किया, तो देखते हैं हमारे पकौड़े कैसे बनते हैं और देखते हैं कि हमें अच्छा बोला जाएगा या बुरा पकौड़ों में। तो पकौड़े बनते हैं हाथ तो ऐसे होने ही होने हैं, ये तो गारंटी है, चम्मच से ना पकौड़े बनते नहीं है, हाथ से ही बनते हैं। टेस्ट आता है, टेस्ट हाथ का टेस्ट मेरे हाथ का टेस्ट आएगा। तो गाइस मैंने दो मिर्ची के पकौड़े बनाने हैं, क्योंकि जब भी हमारे घर पकौड़े बनते हैं तो दो या तीन मिर्ची के जरूर बनते हैं, पापा को बहुत पसंद है और आई होप आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि एक दो मिर्ची के जरूर बनते होंगे। तो आइए बनाते हैं। मिर्ची को सिंपल ही रखा है, इसमें कुछ डाला नहीं है। हाँ, कुछ नहीं डाला, इसको काटा भी नहीं है मैंने, जस्ट आइए देखिए मैं कैसे बनाता हूं इसको। एक और मिर्ची है और उसको भी हम तल देंगे लाइक दिस। बन गया पकौड़ा। हाँ बन गया पकौड़ा। आलू और प्याज के पकौड़े बन गए हैं, ये रहे, और अब मैं बना रहा हूँ गुंजन के लिए स्पेशल आलू के पकौड़े। ये मुझे ज़्यादा पसंद है वैसे उससे, तो इसके लिए हम सिंपल एक ही आलू लेंगे और दैट्स इट। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और देखो कैसे फूले फूले बन रहे हैं। तैयार है हमारे आलू और आलू प्याज के पकोड़े, तो अभी देखते हैं, सबसे पूछते हैं उनको कैसे लगे, क्योंकि मैं तो यही बोलूंगा खा के कि अच्छे हैं क्योंकि मैंने बनाए हैं, तब औरों से पूछते हैं कैसे बने। आइए पूछते हैं इनसे कि इनको पकोड़े कैसे लगे। ये मेरे पापा, ये है नाना जी और ये है मेरी मम्मी, तो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसे लगे। तो पापा आपको कैसे लगे पकोड़े? बहुत बढ़िया। पक्का? या वैसे बोल रहे हो? ना ना। अच्छा बहुत बढ़िया, मैंने खुद खाएंगे बनवाए। मैंने बताया वीडियो में, मैं पहले वीडियो में यही बताया कि पापा ने बोला कि पकौड़े बनाओ। पिताजी आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे। अच्छा चलो थैंक यू। और मम्मी आपको कैसे लगे? मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगे, बहुत अच्छे बने हैं पकौड़े। चलो वैसे मैं आपको बता दूं कि पापा अभी कल ही हॉस्पिटल से आए हैं और उनको पकौड़े बनाए, पर उन्होंने आते ही बोला कि मुझे पकौड़े खाने हैं, तो मैंने बोला चलो थोड़े से उनको बना के खिलाता हूँ, तो तुम भी खा के बताओ तुम्हें कैसे लगे। बढ़िया। तो फ्रेंड्स पकौड़े सबको अच्छे लगे मेरे बनाए हुए, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मैं भी खाता हूँ थोड़े से पकौड़े। तो आप भी बताइएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, पकौड़ा मेकिंग व्लॉग।